स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर एट आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है टोटल सात सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहां पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं, हेलो 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 गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग यार चलो इस सभी का हाल चाल बड़ी होना चाहिए तो एक बार मैं फिर अपनी पूरी फैमिली के सामने सर हाजिर हो चुका हूँ बर्थडे खत्म हो गया रक्षाबंधन का त्यौहार चला गया तो उसके बाद फिर हम स्टूडेंट दरबार आज से हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं अब बहुत सारे बच्चों को ना ये लग रहा था कि इस सैटरडे को मैंने स्टूडेंट दरबार नहीं लिया तो शायद सर ने बंद कर दी है सर आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये स्टूडेंट दरबार जब तक आपके एग्जाम दिसंबर में होंगे नहीं तब तक ये कॉन्टिन्यू रहेंगे ठीक है जी तो ये अपने मन में ना डाउट बिल्कुल मत लेके आना कि मैं स्टूडेंट दरबार बंद कर दूंगा तो सिंपल सी बात है सैटरडे को मैं नहीं ले पाया क्योंकि घर में मेरी फैमिली आई हुई थी उनके साथ थोड़ा सैलरी के, तो के जो भी एमसीक्यूस बैलेंस बचे थे उम्मीद करूंगा आज वो हमारे सारे कंप्लीट हो जाए और जब मेरा सेशन खत्म होगा उसके बाद जिस, जिसके, जिसके जितने नंबर आए हैं प्लीज आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताने के सर आज हमने इतने क्वेश्चन किए हैं इसमें से हमारे इतने नंबर आए हैं और अगर आपके

मेरे स्टाफ का कॉल जरूर आएगा सिर्फ अपने कस्टमर सपोर्ट वाला ऑप्शन फिलअप करना है अगर नहीं आया अड़तालीस घंटे के अंदर फिर आपने मुझे पर्सनली बताना है मैं जैसे भी हो सके आपकी प्रॉब्लम पूरी रिजोल्व कराऊंगा ठीक है जी और इतने घंटे दे रहा हूं जिस दिन आप ये चैप्टर कंप्लीट करोगे या पूरी क्लास कंप्लीट करोगे ना आप मुझे खुद मैसेज करोगे कि सर वाकई थैंक यू सो मच जो आपने ये हमें लेक्चर प्रोवाइड किया है ना उसकी वर्थ इतनी नहीं थी उसकी वर्थ बहुत ज्यादा थी बट आपने इस प्राइस पे प्रोवाइड कराया उसके लिए आपका थैंक यू सो मच बट अभी आपने थैंक यू नहीं बोला जिस दिन आपका चैप्टर या लेक्चर कंप्लीट होंगे टैक्स या एडवांस टैक्स के उस दिन आप अपने आप खुद थैंक यू मुझे बोलोगे इतना मुझे विश्वास है ठीक है जी चलो इधर देखो री फिर ध्यान से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर एटी आज हमें यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो अप्रोक्सिमेट 100 सेशन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं बस 11 सेशन हमारे और बचे हैं ठीक है जी और उम्मीद करूंगा ये 150 सेशन भी हो मतलब जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक 150 सेशन तो कम से कम हमारे हो जाए ताकि हर बच्चे को लगे कि हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम कहीं से भी बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी इधर देखो ध्यान से तो आज मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने सैलरी का जो टेस्ट था हमने किया था ना उसके 40 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर चुके थे अब 40 के बाद के जितने भी बैलेंस क्वेश्चन हैं छोटे छोटे हैं आज हमें कंप्लीट करने हैं स्टार्ट करें पक्का फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं बच्चा कह रहा है यस सर स्टार्ट कर सकते हैं चलो आओ जी फटाफट से अब एक बार क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी चेक करो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है टाटा लिमिटेड पे सैलरी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू हिज एम्प्लॉई रमेश एंड अंडरटेक टू पे द इनकम टैक्स अमाउंटिंग टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस रमेश सैलरी ऑफ रमेश अपने आप बोल देना जी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी है दो लाख पचास हजार और उस दो लाख पचास हजार पर वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि उसने इनकम टैक्स जो एम्प्लॉय का बनता था वो भी एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया वो दस हजार पांच सौ रुपए का पे किया

क्या ये उसमें से माइनस रहेगा तो सर आपने तो कहा था कि जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परकिजिट पर जो भी टैक्स पे करता है वो तो एम्प्लॉय के हाथ में सेक्शन टेन टेन सी में एक्समट होता है जो सेक्शन टेन टेन डबल सी बताया था कि उसमें तो एक्समट होता है बट यहाँ पे तो आप टैक्सेबल कर रहे हो सर आपने खुद अभी क्या बोला कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के जो परक्यूजिट है उस परक्यूजिट पर जो टैक्स पे करेगा वो टैक्स एम्प्लॉय के हाथ में एक्सम होगा उसने परक्यूजिट की बात नहीं की उसने सैलरी की बात की है तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना अगर ये दस हजार पांच सौ रुपये लिखा होता है कि दो लाख पचास हजार परक्यूजिट है इस परक्यूजिट पर टैक्स बना दस हजार पांच सौ वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया उसका एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा तो ध्यान रखना उस केस में एक्जाम होगा वहां टैक्सेबल नहीं होगा बट पे उसने की बात नहीं की यहाँ पे उसने बात की किया सैलरी की और अगर सैलरी की बात करेगा तो ये दस हजार पांच सौ क्या हो जाएगा टैक्सेबल तो ग्रोथ सैलरी जो होगा वो कितनी निकल के आएगी दो लाख साठ हजार पांच सौ कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं यस yes, सर अगले क्वेश्चन पे आज रमेश इज एम्प्लॉय विद वीजी लिमिटेड एट ए सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ एट वीजी लिमिटेड वॉज इन फाइनेंशियल क्राइसिस इट

तीन महीने चाहे सैलरी मिली बाद में है बट ड्यू पहले हो चुके तो वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल हो जाएगी तो पूरे महीने पर सैलरी दो लाख चालीस हजार तो दोनों आपके सही होंगे और कुछ बच्चों का ये वाला जरूर गलत होगा बट ये वाला सबका सही होना चाहिए तो जिनके दो में से दो नंबर हैं, बहुत बढ़िया दो में से एक नंबर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगले क्वेश्चन में आपने गलतियां नहीं करनी आगे देखो जी सैलरी है टेन थाउजेंड पर मंथ एडवांस फॉर द मंथ अप्रैल ट्वेंटी टू जून ट्वेंटी इन द मार्च ट्वेंटी मतलब अगले साल के अप्रैल मे जून तीन महीनों की सैलरी उसने मार्च में ही ले ली वो कह रहे हैं मेरी ग्रोथ सैलरी बता दो त्वन्ती 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 वन की। अपने आप बोल दो जी अब एक लाख बीस हजार रुपए तो इस मंथ की सैलरी है अब अगर एक लाख बीस हजार रुपए इस मंथ की सैलरी है और अगले साल के तीन महीनों की सैलरी मुझे इस साल मार्च में एडवांस मिल गई है तो वो सैलरी किस बेस पर टैक्सल होगी डी यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर तो अर्लियर क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है तो, एक पे तो ये और तीस हजार पे अगले साल के तीन महीने वो भी इस साल टैक्सेबल पहले हो चुके हैं तो अपने बोल दो इस साल जो मैं सैलरी टैक्सेबल करूंगा जब मैं ग्रोथ सैलरी निकालूंगा तो वो कितनी आएगी कि? एक लाख बीस हजार आएगी नब्बे हजार आएगी या डेढ़ लाख आएगी सर वो आंसर आएगा डेढ़ लाख तो वन लैख तो तो फिफ्टी थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कोई दिक्कत तो नहीं है तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन में ड्यू पहले थी रसी बाद में थी इसमें रसी पहले है ड्यू बाद में है तो दोनों में से जो भी अर्लियर बेस होगा वो उस बेस पे टैक्सेबल हो जाएगी और मेरे ख्याल से सारी बातें अपने क्लास में पढ़ी हैं और जिन जिन बच्चों ने अभी सैलरी का चैप्टर लिया है या पूरी क्लास ली है जब वो सैलरी पढ़ेंगे ना गारंटी दे रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन में आपको उसके बाद डाउट नहीं होगा उसके बाद देखो सैलरी ऑफ वी बिकम ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ सैलरी ड्यू हो रही है फर्स्ट ऑफ़ नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने की एक तारीख को और सैलरी पे की जा रही है ना वो सेम मंथ में ड्यू नहीं हो रही वो अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो रही है और याद करें क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार किया था और उसमें कई बच्चों को डाउट आता है अब अगर सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो रही है इसका मतलब क्या है कि जनवरी की सैलरी फरवरी में फरवरी की सैलरी मार्च में मार्च की सैलरी अप्रैल में अप्रैल की सैलरी मे में मे की सैलरी जून में इस तरह से वो ड्यू हो रही है अब सोच के बोला अगर मुझे इस साल टेक्सीबिलिटी निकालनी है तो इस साल टेक्सीबिलिटी जो तो स्टार्ट होगी क्या वो इस साल के अप्रैल से होगी या पिछले साल के मार्च से होगी पिछले साल के मार्च से होगी एक बच्चा बोल पड़ा कहता है यार सर को हो क्या आ गया पिछले साल के मार्च से, मार से क्यों होगी क्योंकि पिछले साल का मार्च तो पिछले साल टैक्सेबल होगा ना मेरे नंद किशोर इधर आओ पिछले साल के मार्च की सैलरी ड्यू कब होगी इस साल के अप्रैल में क्योंकि उसने बोला अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो रही है अब अगर पिछले साल के मार्च की सैलरी इस साल के अप्रैल में ड्यू होगी तो इस साल जो मैं सैलरी टैक्सेबल करनी है वो अप्रैल से करनी है और अगर इस साल सैलरी हमें अप्रैल से टैक्सेबल करनी है तो अपने बोल देना अप्रैल में सैलरी अप्रैल की तो आएगी आएगी पिछले साल के मार्च की सैलरी भी इस साल के अप्रैल में आएगी और इस साल का मार्च वो अगले साल अप्रैल में जाएगा तो इस साल जो हम सैलरी टैक्सेबल करेंगे वो फरवरी के महीने तक की करेंगे क्योंकि इस साल का मार्च इस साल में ड्यू नहीं होगा वो अगले साल के अप्रैल में ड्यू होगा तो अपने बोल देना उसने इस साल की बात की तो इस साल में पिछले साल के मार्च से लेकर इस साल की फरवरी तक की सैलरी टैक्सेबल होगी ये बात ध्यान देना तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है अप्रैल टू मार्च नहीं मार्च टू मार्च नहीं मार्च 19 टू फेब 20 यस yes, ये वाला इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि पिछले साल का मार्च इस साल आएगा इस साल का मार्च अगले साल जाएगा तो इस साल जो हम सैलरी टैक्सेबल कर रहे हैं पिछले साल की मार्च से लेकर इस साल की फेब तक कर रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक हम चार क्वेश्चन कर चुके हैं उम्मीद करूंगा मेरे ख्याल से पचास बच्चों के तो चारों के चारों से ही होंगे और बाकी जो तो पचास बच्चे हैं चेक करें उनसे गलतियां होकर रही हैं आगे देखो री फिर अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखो अब यहां पे ये यह बात कहना चाह रहे हैं एन एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर ग्रेचुअटी एक्ट 1972 तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा वेल्थ बोरे तो फटाफट ग्रेचुअटी की बात करो ग्रेचुटी के दो केस होते हैं गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाले केस में एक्समट होती है नॉन गवर्नमेंट वाले केस में डिपेंड करता है वो साथ में दो केस हैं वो ग्रेचुअटी एक्ट में कवर होगा या वो ग्रेचुटी में कवर नहीं होगा अब अगर वो ग्रेचुटी में कवर होगा उस केस में ट्रीटमेंट अलग करते हैं अगर ग्रेचुटी में कवर नहीं होगा ट्रीटमेंट अलग करते हैं उसने बोला कि अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें बता दो

जब आप पंद्रह दिन की सैलरी लोगे तो बेस क्या बनाओगे तो बेस हम बनाएंगे लास्ट ड्रोन सैलरी ऑप्शन नंबर ए इज द द करेक्ट आंसर उसके बाद सैलरी सैलरी फॉर में क्या आएगा जी सैलरी में डी एटो डी वाला है टोटल वाला सर टोटल वाला ये कई बच्चे कह रहे हैं वाला अभी मैंने दो तारीख को चार घंटे की रिविजन क्लास डाली है इनकम टैक्स की मुझे तो लग रहा है आधे बच्चों ने देखी ही नहीं है मतलब इतने कम व्यूज उसके आए हैं ना सही बताऊं मेरा दिल बहुत दुख है मेरे को यह था कि कम से कम चालीस पचास हजार मतलब व्यूज उसके आने चाहिए जो मैंने इतनी मेहनत करके डाल दिया और दस हजार व्यूज भी आए सिर्फ इट मीनस ना तो आपने शेयर की ना आपने उसको अच्छे से देखा आपको लगा हम खुद कर लेंगे आपको इन बता आपकी ये गलती कितनी बड़ी आगे जाकर होगी आपको ये पता भी नहीं है सर बिलीव में आपका भी उसके नोट्स देखना सर उसके नोट्स को बनाने में कितना टाइम लगा होगा समझाने में कितना टाइम लगा होगा और मेरे को उसको बोलने में कितना टाइम लगा होगा बच्चा कह रहा है लगा रहा है तुम्हारा तो काम यही है आपने उसको अच्छे से अप्रिशिएट किया नहीं और ना उसको अच्छे से देखा है और ना उसको भी आपकी वैल्यू पता है जिस दिन आपके एग्जाम होंगे ना आपको दिखा दूंगा सो में से अगर पचास नंबर का इनकम टैक्स है न्यू सिलेबस में सेवेंटी मार्क्स का इनकम टैक्स ओल्ड सिलेबस में तो कम से कम भी फिफ्टी परसेंट पेपर उस चार घंटे की रिविजन क्लास के अंदर से बनेगा बट ना तो वो आपने देखी है ना दोस्तों को बताई है ना किसने देखी है सीए सी एस सी ए में मैंने तीनों बच्चों को कहा था वो तीनों बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स की लिमिट सब में सेम होती है अभी भी टाइम है हर बच्चे के पास पहुंचा दो हर बच्चा जिसमें इनकम टैक्स है उसके लिए क्लास वो बहुत जबरदस्त है उससे बेस्ट क्लास कोई नहीं हो सकती सर अगर लिमिट्स आपको याद करनी है और ये सारी बातें मैंने उसके अंदर बताई हैं। तो मेरे फटाफट से बताओ अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी में कौन कौन सी आएगी बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला क्योंकि उटे वाला तब लेते हैं अगर वो ग्रेचुएट एक्ट में कवर नहीं होता उसने बोला ग्रेचुएट एक्ट में कवर है तो डीए कौन सा बनेगा टोटल वाला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर उसके बाद जी अगर एम्प्लॉई सोलह साल छह महीने पांच दिन काम कर रहा है तो कितने साल काउंट करेंगे सेवनटीन ईयर काउंट करेंगे क्योंकि याद करो अगर वो ग्रेचुएट में कवर होता है तो कंप्लीट ईयर और पार्ट ऑफ और पार्ट का मतलब अगर छह महीने से ऊपर होंगे तो कंप्लीट ईयर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 17 ईयर बन जाएगा उसके बाद अगर कंप्लॉ एम्प्लॉई 16 साल 6 महीने काम कर रहा है तो उस केस में क्या लेंगे फिर हम 16 साल लेंगे क्योंकि 6 महीने से अगर ऊपर काम करता है फिर हम कंप्लीट ईयर लेते हैं अगर 6 महीने या उससे कम काम करेगा तो फिर हम लास्ट ईयर लेंगे यहाँ पे 16 साल 6 महीने हैं तो कैलकुलेशन जो होगी वो सोलह साल के बेस पे होगी बस ये ध्यान दो तो उसका ऑप्शन क्या बनेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तो आपके चारों के आंसर है ठीक है जी और अब अगर ग्रेचुअटी एक्ट में कवर ना होता उसका ट्रीटमेंट का था वो भी आपने क्लास में किया है इवन इनकम टैक्स की रिविजन क्लास के अंदर भी डाला है तो वो आप वहां से देख सकते हो ठीक है लो जी अब अगले क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन नंबर पे वो ये बात कहना चाह वी वर्क विद ए प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर थ्री ईयर बट वॉज नॉट टू एनी ही वर्क विद प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट ईयर एंड सेवन मंथ द कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेटिंग एग्जामेशन ऑफ ग्रेचुअटी शेल बी टेकन एस पिछले एम्प्लॉयर के यहाँ पे तीन साल काम किया

अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यहाँ पे आंसर क्या देखेंगे आठ साल, साल यहां पे तीन साल पिछले तो टोटल कितने हो गए 11 साल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कोई दिक्कत तो नहीं है ये दो चार बच्चे झपकी ले रहे नींद की नालायक मैं मारूंगा सिर पे फिर बच्चा कह मत मार मत मारोरी सॉरी 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 सोना नहीं इधर देखो ध्यान से फटाफट आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो रही और फटाफट मुझे आंसर दो ये टेस्ट आपका चल रहा है सर टेस्ट मेरा नहीं है मुझे सारे आंसर आते हैं ये टेस्ट आपने देना ध्यान रखना आगे देखो एन एम्प्लॉय अवेलशन से हमने क्लास में वी आर एस किया था तो मैंने कहा भी था वी आर एस लाइफ में एक बार मिलता है वी आर एस लाइफ में एक बार मिलता है और अगर दोबारा से वी आर एस मिलता है तो उसकी एग्जाम्शन सिर्फ लाइफ में एक बार मिलती है तो सिंपल सी बात है अगर वीआरएस एग्जामेशन मैंने पहले किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे ले चुकी है तो जब मुझे दूसरे एम्प्लॉयर से वीआरएस मिलेगा उसकी कोई भी एग्जामेशन मुझे नहीं मिलेगी फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में होगा उसने यही बोला है कि भैया पहले एक लाख रुपए मिला था फिर प्रेजेंट से दो लाख पचास हजार मिला तो एग्जामेशन कितने की मिलेगी कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं साढ़े तीन लाख रुपए लिख के आते हैं सर रीजन बिंग क्योंकि पांच लाख रुपए की वी की लिमिट है बट वो ये भूल जाते हैं कि वी की एग्जामेशन लाइफ में एक बार मिलती है

वी वी टू टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एट 80 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर थ्री चिल्ड्रन अमाउंटिंग टू फोर्टी पर मंथ इट विल बी अप टू एक्सटेंड अपने आप बोल देना पहले बच्चे को एट्टी मिले दूसरे बच्चे को एट्टी मिले तीसरे को एट्टी मिले पहली बात तो दो बच्चे एग्जाम है तीसरा टैक्सेबल है ये तो बाहर निकाल दो अब अगर दो बच्चे है, मिले एटी 80 -80 तो एक्शन सो की लिमिट है तो क्या पर मंथ क्या मिलेगी उससे ऊपर नहीं मिलेगी तो ऑप्शन नंबर ए हाँ कई बच्चे कह रहे हैं दो सौ परम्स नालायको दो पर मंथ तब होता है जब यहाँ पे अमाउंट एटी से ऊपर होता अब जब मिले ही एटी है तो एग्जाम भी कितनी की मिलेगी एट्टी की ही मिलेगी तो 80 और 80 कितना हो गया 160 तो यहाँ पे आंसर कितना आंसर निकल के आ गया

और याद करो ये बात अपने क्लास में पढ़ी भी होगी अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस तो रिसीव ही मुझे 200 सौ हुआ तो चाहिए तो 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 अगला, अगला कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू थाउजेंड पर मंथ है ठीक है और उसमें छह सौ रुपए खर्चा कर दिया एग्जाम कितने की मिलेगी आंसर इज नील आपने बोल दो सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर एम्प्लॉई है फिर तो बत्तीसौ पर मंथ होगा अदरवाइज ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई लिमिट होती नहीं है तो दो हजार मिले खर्चा कुछ भी करो एग्जामशन जब है ही नहीं तो एग्जम्शन कितनी मिलेगी नील ये बात ध्यान देना तो उसको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर कितना बनेगा बी तो मेरे ख्याल से टोटल हमारे अब पंद्रह सोलह क्वेश्चन हो चुके हैं उम्मीद करूंगा आपके अगर मैं पंद्रह का नाइन्टी परसेंट लेता हूं तो उम्मीद करूंगा आपके बारह या तेरह क्वेश्चन तो सही होंगे अगर इससे कम सही हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात चल रही है इट मीन आप रिवीजन सही ढंग से नहीं कर रहे आपके प्रोविजन सही नहीं है आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो कम से कम ये लगा लो पंद्रह में से बारह क्वेश्चन सही होने चाहिए सर पंद्रह में से दस वाले भी कई बच्चे नालायक हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पांच भी सही नहीं होंगे अभी तक सिर्फ देख देख के आंसर बताए जा रहे हैं तो वो तो ये लगा ले कि उनके 40-45 नंबर से ऊपर नहीं आएंगे अगर उन्होंने अपना को नहीं सुधारा और 40-45 नंबर पैंतालीस बहुत मुश्किल टास्क बन जाएगा उनके लिए बात ध्यान देना जिनको भी पता नहीं लग रहा और मैं गुस्सा होना नहीं चाहता बार बार आपके लिए तो अभी भी टाइम है रिविजन करो प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर यहां पे क्वेश्चन अटेंड करो ताकि ये पता लगे कि आप कहां स्टैंड करते हो अगला क्वेश्चन देखो जी वी इज टू सिक्स थाउजेंड मेडिकल अलाउंस ही स्पेंड फोर थाउजेंड इज मेडिकल ट्रीटमेंट मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा आपने आप बोल रहे मेडिकल परक्यूजिट की बात नहीं कर रहा है मेडिकल अलाउंस की बात कर रहा है और आपको मैंने पहले भी कहा था अलाउंसेस की कई सारी कैटेगरी होती हैं जिसमें फुली टैक्सेबल है फुली एग्जाम पार्टली है अब ना तो ये फुली एग्जाम में है ना ये पार्टली एग्जाम में है या तो मैंने क्लास के अंदर भी कई बार कहा कि मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आता है तो अगर मुझे सिक्स थाउजेंड मिले हैं तो उसने बोला एग्जम्शन कितने की मिलेगी सर एग्जम्शन किसी की भी मिलेगी आंसर इज नील क्योंकि मेडिकल अलाउंस वाले केस में कोई भी लिमिट एक्ट नहीं है फुली टैक्सेबल है और अगर फुली टैक्सेबल होगा तो एग्जम्शन कितनी आएगी जीरो बटा जीरो बस ये बात ध्यान देना तो एग्जामेशन यहाँ पे कितनी आ गई नील उसके बाद एक एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलेगा पहले तो ऐड होगा

तब पहले तो मैं पूरा ऐड करना है उसके बाद जो भी टू में आएगा उसको डिडक्शन देनी है और देन फिर वो बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल बस ये ध्यान दो। उसके बाद फिर अगला सही ढंग से नहीं पढ़ रहे सर वो मेडिकल अलाउंस की बात नहीं कर रहा मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करेगा तो मेडिकल फैसिलिटी की बात होगी और अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात होगी आप सब जानते हो उस केस में कुछ स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में है, फिर तो है, नहीं तो है, पहले पे की सात हजार रुपए पूरी फैमिली का हर बच्चा इंटेलिजेंट है वो सब जानता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी इलाज होगा फुली एग्जाम वाली कैटेगरी में आता है तो ये सेवन फुली एग्जाम हो गए

कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का बच्चा कह रहा है सर टेस्ट देने में मजा आ रहा है कसम से ना हमें ना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं सर वो मतलब कितने नालायक बच्चे होंगे सर वो आपका स्टूडेंट दरबार अटेंड नहीं करते होंगे क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा मैं क्या बोलूँ उनको मेरे तो गला थक गया कहते कहते डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि विवेक ज्यादा मत बोलो बट फिर भी मेरी आदत है कि समझ जाए बच्चा अटेंड जरूर कर ले ये उनके भले की ही बातें चल रही हैं कोई मैं फिजूल की बातें नहीं कर रहा कोई अपने घर की बातें नहीं कर रहा ना आपके घर की बातें कर रहा हूँ ये ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में कई बार आती हैं

Interest, exempt, maturity, exempt. उसने क्या बोला एम्प्लॉयर क्वेश्चन उठाना एसपीएफ का इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा भैया इंटरेस्ट भी फुली एग्जाम तो उसके भी ट्रीटमेंट नहीं होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अपने बोल दो आरपीएफ तो हाँ तो में, में अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो एम्प्लॉय की सैलरी के बारह परसेंट तक एक्सम होगा बारह सुपर वाला टैक्सेबल होगा तो आरपीएफ में 12 परसेंट तक एग्जाम है उसके ऊपर वाला टैक्सेबल है और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा 9.5 तक है उसके ऊपर वाला टैक्सेबल है तो इसका आंसर सी इसका आंसर डी ये दोनों आंसर मेरे ओके बताओ अगर माइंड में वही पी वाला डायग्राम चल रहा है हमने क्लास के अंदर बनाया था तो कई आंसर नहीं निकलेंगे दो मिनट में आंसर निकल रहे हैं उसके बाद जी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू अपने बोल दो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू आरपीएफ एम्प्लॉय वाला एड करते हैं माइनस नहीं करते हैं क्योंकि यू आर पी एफ है एम्प्लॉयर वाला हम उस ना तो एग्जम्प्ट करते हैं ना ही टैक्सेबल करते हैं उसका ट्रीटमेंट हम रिटायरमेंट के बाद करते हैं तो देखो नीदर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन उस कॉन्ट्रीब्यूशन के साल हम कुछ देखते ही नहीं है उसका जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन देखो जी Which of the allowance is fully exempt? इसमें से कौन सा मेडिकल अलाउंस नई नई सर तो फुली टेक्सेबल है एच आर ए ये पार्टली टेक्सेबल है तो अलाउंस पेड बाई यू एन ओ ये अलाउंस जो है यह फुल्जम्प्टी कैटेगरी में आता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर उसके बाद एच आर ए याद करो का सेक्शन कौन से तो क्या, क्या इतने गिरे गिरे क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं यस yes, आते हैं सर जितनी प्रैक्टिस करोगे चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बस ये बात ध्यान देना ठीक है ना

बच्चा पैदा हुआ आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीट मतलब पहले एक बच्चा हुआ फिर मल्टीपल बर्थ हुए अपने आप बोल देना पहले एक बच्चा हुआ फिर मल्टीपल बर्थ हुए तो मैंने कहा था इन सबको एक बच्चा मानेंगे मल्टीपल बर्थ को एक बच्चा मानेंगे और एग्जामिशन दोनों ही बच्चों की मिल जाएगी बस ये बात ध्यान एक बच्चा बोलता सर पहले दो बच्चों गए फिर एक बच्चा हुआ याद करो सैलरी के चैप्टर में एलटीसी अगर पहले दो बच्चे हुए फिर एक हुआ तो एग्जम्शन सिर्फ पहले दो की मिलेगी बाद वाले की नहीं मिलेगी एग्जम्शन का बेनिफिट सिर्फ तब मिलता है अगर मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड हो और अगर मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड होगा तो उस मल्टीपल बर्थ को एक मान के एग्जम्शन सबकी दे देते हैं देखो उसमें क्या बोला उसने इसको एक बच्चा मानेंगे दो मानेंगे वन चाइल्ड मानेंगे और एग्जम्शन जो मिल जाएगी वो दोनों बच्चों की मिल जाएगी बात ध्यान देना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर उसके बाद एक P, limited, उसमें कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा बट कोस्ट ऑफ एजुकेशन है, सिमिलर स्कूल के पर करो, ही है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है और ये हमने उसके अंदर किया भी था जो आईसीएस के पांच साल के क्वेश्चन हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर किए तो मैंने कहा थाउजेंड तो एक्जाम सौ में से अगर मैं थाउजेंड माइनस कर दूंगा तो बैलेंस कितना आ गया आठ सौ

मिस्टर पीज इज एम्प्लॉयड इन पीसी लिमिटेड हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल डिसीज़ द कंपनी हैज सेंड मिस्टर पी एंड मिसेस एस टू यूएसए फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस एस मिसेस पी मिसेस पी आएगा उसे मिसेस पी आएगा द कंपनी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट स्टे आउटसाइड इंडिया तो खर्चा कितना है लाख रुपए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है लाख ने परमिट किया पहले तो अगर ट्रीटमेंट इंडिया से बाहर होता है तो मैंने कहा था मेडिकल ट्रीटमेंट और वहां पर रहने का जो भी खर्चा होगा, होगा, जितना लिमिट होगा, बैलेंस होगा। खर्चा रिजर्व बैंक ने किया तो दो लाख रुपए बट जो भी आपका ट्रेवलिंग खर्चा होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है अब अगर इनकम आपकी दो लाख रुपए तक है फिर तो सारा ट्रेवलिंग खर्चा एक्जम्ट है और अगर इनकम आपकी सारा ट्रेवलिंग खर्चा टैक्सेबल है तो अभी तक जो हमने खर्चों की बात की है ना वो मेडिकल और वहां पे रहने की बात की है ट्रेवलिंग की बात अभी तक हमने नहीं की अब यहां पे देखो एक बार वो कहना क्या चाह रहे हैं सत्रह में से पंद्रह दो लाख तो टैक्सेबल और वो ट्रेवल खर्चे डेढ़ लाख हैं उसकी इनकम जो है वो पांच लाख है आपने आप बोल दो अगर इनकम पांच लाख है तो भैया दो लाख से ऊपर है तो ये ट्रेवलिंग खर्चा भी टैक्सेबल तो डेढ़ लाख तो ये टैक्सेबल और दो लाख वो टैक्सेबल दो और डेढ़ पूरे साढ़े लाख रुपए का परक्यूज टैक्सेबल होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ये हमारा आंसर आएगा और अगर नहीं ध्यान आ रहा तो एक बार जाके मेडिकल परक्यूज वाला डायग्राम चेक कर लेना क्लास में आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा मैंने कहा था इंडिया में इलाज होगा ट्रीटमेंट अलग करेंगे इंडिया से बाहर इलाज होगा ट्रीटमेंट अलग करेंगे ये क्वेश्चन जो है इंडिया से बाहर इलाज का है इंडिया में इलाज का नहीं है ठीक है जी उसके बाद देखो ड्यूरिंग द असेसमेंट एम्प्लॉय वॉज रिम्बर्स फोर्टीन थाउजेंड एज मेडिकल एक्सपेंडिचर जिसमें नो हजार रुपए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी की है

नहीं यहाँ पे हो गया सॉरी एम्प्लॉयर रेंट पे करे कितना तीन हजार तो आएगा छत्तीस हजार और ये तीस हजार लेस क्या बन गया तीस हजार आ गया अब तीस हजार में से जितना एम्प्लॉय से रिकवर हो गया वो माइनस कर दो एम्प्लॉय से रिकवर कितना हो गया दो हजार पर मंथ तो भैया चौबीस हजार तो एम्प्लॉय से रिकवर हो गया और बैलेंस जो तो निकल के आएगा वो छह हजार पे तो वो हो जाएगा टैक्सेबल उसने मुझसे मांगा क्या है कि भैया टैक्सेबल पर क्यूसि कितना आंसर इज डी ये आपका आंसर आएगा जी तो एक बड़ा के वाला पॉइंट पढ़ लेना अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का नहीं होता तो जितना एम्प्लॉयर किराया पे करता है वो और सैलरी का पंद्रह परसेंट बीच एवरेज लेस और जो लेस आएगा उसमें से जो भी एम्प्लॉय से रिकवर हो चुका है वो माइनस कर देते हैं और बैलेंस आपका टैक्सेबल है तो छह हजार का आपका टैक्सेबल निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं यस सर हेलो जी सर कितने क्वेश्चन और बचे हैं बस थोड़े से और बचे हैं मैं तो सोच रहा हूं आज पूरे कंप्लीट कर ही देते हैं यार चाहे दस मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कम से कम सैलरी वाला टेस्ट तो पूरा होगा फिर हाउस प्रॉपर्टी है पी, पी है कैपिटल गेन है अदर सोर्स है इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिसलिनियस चैप्टर हैं तो वो सारे टेस्ट भी तो देने हैं आपने अभी तो आज ना चाहे आप दस मिनट ज्यादा लग जाए सैलरी वाला टेस्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे तो प्लीज दस पंद्रह मिनट पेशेंस बनाए रखना भाग मत जाना जितने बच्चे स्टार्टिंग से बैठे उनसे रिक्वेस्ट है पूरा देख के जाएंगे आगे देखो रही क्वेश्चन नंबर फिर सिक्सटी नाइन पे आओ गेट सैलरी ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ प्रोवाइडेड रेंट फ्री अनुडेशन एट लाख है तो आप सब जानते हो जितनी उसकी सैलरी होगी साढ़े सात परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट अब यहां पर टेक्सेबल फिर वो कहना चाह रहे हैं घर जो प्रोवाइड किया ना वो अप्रैल से नहीं किया वो जुलाई से किया तो सैलरी पूरे साल की नहीं लेंगे सैलरी हम लेंगे नौ महीने की क्योंकि अप्रैल में जून में तो घर था ही नहीं जितने महीने का फायदा होगा सैलरी उतने महीने की तो लेंगे तो अगर बारह हजार है तो बारह हजार मल्टीप्लाई नाइन कितना आ गया? एक लाख आठ हजार उसका टेन परसेंट तो दस हजार आठ सौ रुपए ये टैक्सेबल परिट होगा ऑप्शन बीज द करेक्ट आंसर सर एक बार दोबारा बताना प्लीज एक बार दोबारा बता दो सर अगर घर एम्प्लॉय खुद का होता है तो साढ़े सात परसेंट अगर पॉपुलेशन दस लाख तक हो दस लाख से ऊपर हो पच्चीस लाख तक हो दस परसेंट और अगर पच्चीस लाख से ऊपर पंद्रह परसेंट पॉपुलेशन पच्चीस तो लाख तक है तो उस उसके दस परसेंट आएगा दस परसेंट उस सैलरी का इतने महीने का फायदा मिला फायदा नौ महीने का मिला तो बारह हजार मल्टीप्लाई नाइन उसका टेन परसेंट दस हजार आठ सौ रुपए आरएफए के अंदर पढ़ा हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन फिर यह कहना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया आर एफ उसकी कहीं ट्रांसफर हो गई वहां पर भी एक घर मिला अब याद करो एम्प्लॉ के पास दो घर हैं अगर आपने घर जाके बुक्स ध्यान से पढ़ी हो तो मैंने कहा था अगर दो घर होंगे ना तो एक घर एम्प्लॉ को छोड़ना पड़ेगा बट उसको 90 90 डेज डेज का टाइम मिलेगा तक अगर वो दोनों दोनों घर मेंटेन करता है तो दोनों में से जिस घर की वैल्यू कम आ रही होगी ना वो एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे और अगर 90 डेज खत्म हो चुके हैं 90 डेज के बाद दोनों ही घर की वैल्यू एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल करेंगे कब अगर वो कोई घर नहीं छोड़ता क्योंकि आर एफ ए तो नॉर्मली एक घर का मतलब है ना बट अगर दो घर आपको मिल गए हैं तो दोनों में से एक घर छोड़ दो नहीं छोड़ते तो गवर्नमेंट कह रही फर्स्ट नाइनटी डेज तक दोनों में से कम घर की वैल्यू और नाइन्टी डेज के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो नहीं दोनों की ही वैल्यू तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी देखो फिर यहां पर क्या लिखा है बोथ हाउस विल बी चार्ज एट एक्सपर्क्यूजिट नहीं

तो भैया पर्सनल यूज को भी हम ऑफिशियल नेचर मान के इसका टैक्सेबल बनाते हैं नील ये बात ध्यान देना तो आपको मैंने क्लास में क्लास के अंदर भी कहा था मूवेबल प्रॉपर्टी अगर यूज करते हो लैपटॉप है मोबाइल है आपका कंप्यूटर है उस केस में इसकी नेचर ऑफिशियल है चाहे यूज थोड़ा बहुत पर्सनल हो रहा हो चाहे सारा यूज पर्सनल लिखा हो तो भी हमें टैक्सेबल नील करना है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इसकी नेचर जो है वो नेचर ऑफिशियल है और अगर ऑफिशियल नेचर होगी तो इसमें हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे तो लैपटॉप है, उसने लिखा ऑफिशियल और पर्सनल यूज है बोलता रहे अगर ऑफिशियल हो पर्सनल हो कुछ भी हो टैक्सेबल आएगा नील देना उसके बाद जी एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज के लिए तो अपने बोल दो उस केस में हमें टैक्सेबल कितना करना है तो अगर वीडियो कैमरा दिया पर्सनल यूज के लिए तो कितना आएगा एक्चुअल क्योंकि यूज करने के लिए दोगे और उस केस में जितनी उसकी कॉस्ट होगी उसका टेन परसेंट हम क्या कर देते हैं टैक्सेबल तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर उसके बाद एम्प्लॉयर ने गाड़ी परचेस है आठ लाख ,00 की परचेज की थी उसको दो साल सात महीने यूज किया और फिर गाड़ी बेच दी दो लाख दो हजार की उसमें टैक्सेबल टेक्सेबल कितना आएगा पहले तो बताओ अगर गाड़ी बेची है उस केस में डेप्रिसिएशन का उसके ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू डीवी मेथड कंप्लीट ईयर अब इसमें कंप्लीट ईयर तीन लू या दो साल लू एक बच्चा कहता है तीन साल

वैल्यू की गाड़ी रह गई है आठ लाख में से अगर मैं ट्वेंटी परसेंट माइनस कर दूं तो वैल्यू की गाड़ी, गाड़ी रह गई एक छह लाख चालीस हजार फिर ट्वेंटी कर दो गाड़ी की वैल्यू है 5, 12, पांच लाख बारह हजार अब आपने बोल देना पांच लाख पांच लाख बारह हजार की गाड़ी दो लाख दो हजार में बेच दी लूट लो लूट लो पांच लाख बारह हजार की गाड़ी दो लाख दो हजार में लूट लो लूट लो अब पांच बारह की गाड़ी दो लाख दो हजार में अगर आपने बेची है एम्प्लॉई को तो फायदा हुआ तीन लाख बारह हजार पे तीन लाख बारह नहीं पांच लाख बारह हजार माइनस में दो लाख दो हजार तो फायदा हुआ तीन लाख दस हजार रुपए यह हो जाएगा टेक्सेबल पर हाथ में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों के सही आ रहे हैं कुछ बच्चों के गलत आ रहे हैं मुझे पता है और वो जान मुझ के आंसर नहीं देते उनको अजीब लगता है यार हमारे तो गलत आ रहे हैं उनके गलत आने का रीजन सिर्फ एक है कि उन्होंने सैलरी अभी अच्छे से रिवाइज नहीं किया और जिनकी रिविजन डेली बेस पर चल रही है जो प्रॉपर शेड्यूल बना के काम कर रहे हैं टाइम टेबल से काम कर रहे हैं गारंटी है इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं ठीक है जी आगे देखो फिर पीसी लिमिटेड एक्वायर ए मोटर कार ऑफ रूबीज एट लैख तीस जून अठारह को और इसको बेच दिया छह लाख का जुलाई अठारह को आप, आप अपने आप बोल दो जून अठारह को लिया जुलाई अठारह को बेच दिया कंप्लीट ईयर तो है ही नहीं और अगर कंप्लीट ईयर नहीं है तो हम डेप्रीसिएशन की बात ही नहीं करेंगे तो भैया आठ लाख की गाड़ी छह लाख में आठ लाख की गाड़ी छह लाख में आठ लाख की गाड़ी छह लाख में लूट लो लूट लो आठ लाख की गाड़ी छह लाख में लूट लो लूट लो फायदा कितना हुआ दो लाख रुपए हुआ ना तो दो लाख रुपए हो जाएगा टैक्सेबल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सर, सर वहां पर हमने डेप्रेशन क्यों निकाला क्योंकि वहां पे कंप्लीट ईयर थे अब अगर जून वाली गाड़ी जुलाई में ही बेच दी तो भैया मंथली बेस पे नहीं हम निकालते हैं मंथली बेस इग्नोर करते हैं जितने कंप्लीट ईयर होंगे उसके बेस पे निकालते हैं

तो होता दो लाख रुपए अब दो लाख का ग्रेचुटी नहीं मिली तो दो लाख का वन बाय टू एग्जाम हो गया तो एक लाख रुपए एग्जाम हो गया उसने मुझसे मांगा क्या एग्जामिशन मांगी है ना तो भैया एक लाख रुपए एग्जाम हां अगर ग्रेचुटी साथ में मिलती तो उस केस में इसका फिर वन थर्ड आता और अगर इसका वन थर्ड आता

ेशन रिसीव ऑन वी आर एस आपने बोलता हूं वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपको एक्समिशन कितने की मिलती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट में लिमिट कितनी होती है पांच लाख की बच्चा कहता है तीन लाख की लिमिट होती है तीन लाख की लिमिट होती है लीव इन कैशमेंट ग्रेचुअटी में बीस लाख और वी आर एस और रिट्रैचमेंट में लिमिट कितनी है पांच वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं उसमें एक्समिशन लिमिट कितनी है पांच लाख रुपए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सेक्शन में स्टैंडर्ड पचास हजार रुपए की फटाफट से बोलो पचास हजार रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन में है है तो आंसर आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ठीक उसके बाद जी एम्प्लॉई ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आपने आप बोल दे रही एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ में क्या होगा पहले टैक्सेबल होगा फिर माइनस होगा डिडक्शन मिलेगी एट्टी सी में से तो डिडक्शन किसमें से मिलेगी ऑप्शन नंबर ए सी के अंदर यर कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ में ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं दोबारा की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आरपीएफ में ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो 12 परसेंट तक एक्जाम है उसका इंटरेस्ट ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हो गया, तो इसमें तो गलती का मतलब ही नहीं है पेमेंट आरपीएफ की पांच साल के बाद मिल रही है जी अगर पेमेंट आरपीएफ की पांच साल के बाद फुली तो एग्जाम उस केस में टैक्सेबल ही नहीं है क्योंकि पांच साल के बाद अगर रिटायरमेंट होगी उसमें आरपीएफ मिलेगा फुली एग्जाम वाली कैटेगरी में आएगा कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं

बट जो उसका इंटरेस्ट होगा याद करो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय का इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का बाद में टैक्सेबल उसके पर इंटरेस्ट सैलरी में टैक्सेबल एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल क्योंकि पहले टैक्सेबल हो चुका है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल सैलरी में एक बार जाके यूआरपीएफ का सॉरी अदर सोर्स में उसका एक बार जाके डायग्राम चेक कर लेना तो उसने मुझसे मांगे यूआरपीएफ से पैसा मिला रिटायरमेंट पर वो रिटायरमेंट की बात कर रहा है सर तो उसके खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि पहले टेक्सेबल हो चुका है बट जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है तो टू टैक्सेबल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर और अपने बोल दो उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा सर अदर सोर्स में जाएगा एम्प्लॉई वाला अगर वो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट की बात करता फिर वो सैलरी में आता एंड लास्ट क्वेश्चन यहां पे सैलरी मिली दो लाख अस्सी हजार मिस्टर पी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉई आरपीएफ एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया फिफ्टी नाइन थाउजेंड और सेम एम्प्लॉयर ने भी किया एम्प्लॉयर दोनों ने फिफ्टी नाइन थाउजेंड किया अब अगर दो लाख अस्सी हजार है आप सब जानते हो आरपीएफ में इसका बारह परसेंट तो एक्ट है, है तो, दो का निकालूंगा, तो यहां पे निकल क्या अगर दो लाख अस्सी कॉन्ट्रीब्यूशन करता एम्प्लॉ के आरपीएफ में एक्समट होता पर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया फिफ्टी उसने बोला ना मैचिंग है इटमीन दोनों और 12% आ रहा है तेतीस तो हजार छह सौ

उसने बोला टैक्सेबल ग्रोथ सैलरी निकाल दो तो मैंने सैलरी का बारह परसेंट निकाला क्योंकि आप सब जानते हो आरपीएफ में बारह अलाउड होते हैं इसका बारह आ रहा है तैतीस छह सौ उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया फिफ्टी नाइन तो एक्सेस पोर्शन क्या हो गया टैक्सेबल तो वो टैक्सेबल प्लस में टू एटी तीन लाख पांच हजार चार सौ रुपए की ग्रोथ सैलरी जो होगी वो एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल है कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं लो जी अब जाकर हमारा सैलरी का टेस्ट जो है अब जाके हमारा पूरा कंप्लीट हो गया तो एट्टी फाइव क्वेश्चन हमने बेस्ट प्रैक्टिस कर ली है बाकी और मुझे अगर कोई क्वेश्चन बेस्ट लेंगे वो मैं दोबारा लेके आऊंगा ये अब अगला सेशन हमारा सैटरडे को है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो भी मेरे स्कैनर में एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे न्यू टेक्स स्कैनर के नाम से टोटल मेरे ख्याल सत्रह सेट हैं और तीन सेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं तो बीस सेट हैं दो हजार क्वेश्चन है उनमें कोई भी डाउट्स है प्लीज मुझे भेज दो मैं सैटरडे को उनके डाउट्स आपके लूंगा संडे को मेरे डाउट सेशन होंगे इस संडे मैंने नहीं लिए क्योंकि भाई का बर्थडे था बट अगले संडे से डाउट सेशन मेरे स्टार्ट हो जाएंगे आपके डाउट्स में सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा और एक बात और जो आपके समरी है इनकम टैक्स की रिवाइज वाली कई कर बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रही मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा उसको आप डाउनलोड कर लेना ठीक है चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में सैटरडे को तब तक के लिए रिवीजन क्लास देखो अपना ध्यान रखो अपनी फैमिली का ध्यान रखो और रिवीजन क्लास को मैक्सिमम शेयर करो हर बच्चे के मोबाइल में वो रिवीजन क्लास होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए बस ये ठीक है एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए बाकी अगर कोई भी मेरी जरूरत होगी प्लीज मुझे बताना उसको मैं जरूर सोल्व करूंगा बाय बाय टेक केयर गोड ब्लेस यू लव यू सो मच जय हिंद बाय बाय फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर तब तक के लिए अपना ध्यान और अपनी फैमिली का ध्यान रखते रहो बाय बाय लव यू सो मच